सबसे पहले तो सभी चाहने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं चाहता हूँ कि महादेव की कृपा सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। फिल्म बहुत अच्छी बनी है विनाशक, और जितने भी उसमें किरदार हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में बहुत सारे स्टार लोगों ने भी काम किया है, जैसे कि गेस्ट अपीयरेंस के रूप में दिनेश लाल यादव जी, आम्रपाली जी और संजय पांडे जी विलन हैं इस फिल्म में, अयाज खान जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, हीरा यादव हैं, हीरोइन अंजना सिंह जी हैं, ऋचा दीक्षित हैं, तो तमाम बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें हैं। किरण यादव जी हैं जो कि माँ के रोल में हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और दर्शकों से यही चाहेंगे कि बहुत सारी ढेर सारी संख्या में जाएँ सिनेमा हॉल में मुंबई और गुजरात में, ताकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। दिनेश भैया बहुत अच्छे हैं, और वो हमेशा मतलब प्रोत्साहित करते रहते हैं, और उनका बहुत सपोर्ट सहयोग रहता है। इस फिल्म में डायरेक्टर हैं मिठाई लाल यादव जी, जो कि उनके बड़े भाई हैं, और पूरा मतलब सभी लोगों का इतना सहयोग, इतना प्यार रहा, ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और जब हम लोगों ने गाने के लिए आम्रपाली जी से बात किया था, तो फिर जब गाना दिनेश भैया जी ने सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा गाना, और वो गाना आज भी मार्केट में इतना पॉपुलर है, सभी जगह बजता है, सुनने के लिए मिलता है। उस गाने का नाम हमारे पतिदेव जी, तो वो गाना उनको खूब पसंद आया, और बोले भैया खुद ही बोले कि नहीं ये गाना करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके से शूट भी हुआ वो गाना, और यूट्यूब पर भी है ऐसी फिल्म के चैनल पर। बहुत अच्छा अभी तक रिस्पांस टेलर का भी रहा, गानों का भी रहा। अब फिल्म सिनेमा हॉल में जा रही है, तो भगवान स्वरूपी दर्शक लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा रहा, अंजना जी ने बहुत सपोर्ट किया, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी तो लोग बताते भी थे हमको, तो अच्छा लग रहा था कि नहीं हाँ इसको ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। और इसमें म्यूजिक आज़ाद भैया ने दिया था, गाने भी प्यारे लाल कबीर जी आज़ाद भैया ने ये थे। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जो अगर नहीं देखे हो तो उसको देख सकते हैं, हाँ ज़रूर सुनाएंगे। अभी ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया है हमारे पति देव जी, तो उसको सुना देते हैं हम। एक तो लेट से आते हैं, इंग्लिश में बतियाते हैं, एक तो लेट से आते हैं, इंग्लिश में बतियाते हैं, खाए रतिया में जोड़े जोड़े सेव जी, हमारे पति देव जी। इस गाने को इंदु सोनाली जी ने गाया है, और ये गाना पूरे यूपी बिहार मुंबई जहाँ भी देख रहे हैं हम, टिकटॉक पे भी बहुत बड़ा वायरल हुआ है, चाहे जो भी इस समय सोशल नेटवर्क पे जो भी ऐप्स आए हुए हैं, सब जगह पे देख रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे वीडियोज लोगों ने बनाया है, शेयर भी किया है, तो इससे पता चलता है कि नहीं गाना पॉपुलर हो चुका है। अभी लगे हुए हैं कि 17 तारीख को फिल्म विनाशक रिलीज हुई, तो ये फिल्म समर फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी हुई है, और धन्यवाद देना चाहूँगा श्वेता सिंह जी को जो प्रोड्यूसर हैं, संजय भैया को, और इस फिल्म को मतलब प्रमोशन से लेके सारा काम मार्स एंटरटेनमेंट के द्वारा किया गया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा गानों का और ये सब चीज़ों का, जिसमें विक्की भैया ने बहुत मेहनत किया, तो सभी लोगों का, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विनाशक को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और अब 17 तारीख को सिनेमा हॉल में आ रही है, तो वहाँ पे भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहेंगे। अभी 17 तारीख को मुंबई और गुजरात में हो रही है, हाँ ज़रूर जाएंगे, और पूरी प्लानिंग हो चुकी है कैसे कैसे क्या करना है, तो सिनेमा हॉल में जाएंगे और दर्शकों से मिलेंगे भी, उनका आशीर्वाद लेंगे, प्यार लेंगे, और फिर यहाँ भी जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, मुंबई में जितने भी सेंटर पर लगेगी वहाँ जाएंगे, और गुजरात में भी जितने सेंटर पर लगेगी वहाँ भी जाएंगे। बस यही कहेंगे कि ढेर सारी संख्या में जाएं, फिल्म हाउसफुल चले, और विनाशक ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से हो सकता है कि नहीं एक और हीरो अच्छा आ सकता है मार्केट में, आप भोजपुरी में, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग का प्यार मिले और अच्छा हो। पहले दिन हम लोग भदोही में शूट करना शुरू किए, वहाँ पे विधायक जी हैं रविंद्र नाथ त्रिपाठी जी,
नारियल तोड़ के और शूटिंग शुरू हुआ। तो पहले दिन तो हम लोग कुछ मतलब फाइट सीन शुरू किए थे जिसमें फाइट मास्टर हीरा यादव जी थे। उसके बाद 4-5 दिन तो फाइट सीन ही 6 दिन चला। उसके बाद फिर सीन शुरू हुए तो थोड़ा सा हम सहमे हुए थे कि इतने बड़े बड़े कलाकार सामने थे, जैसे कि संजय पांडे जी, अंजना सिंह जी, अयाज खान जी, किरण यादव जी। तो थोड़ा लग रहा था कि मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बताया और काम करने में मज़ा आया। हमसे हम एक दो सीन में ऐसा हुआ था कि जो नहीं हो पा रहा था उन्होंने बताया और सपोर्ट भी किया कि नहीं ऐसे करेंगे तो ये सीन अच्छा होगा। तो 3-4-5 बार के बाद सही हुआ तो अच्छा लगा कि नहीं कि इतना कोऑपरेटिव हैं सब लोग हमारे भोजपुरी में और सभी लोगों ने सपोर्ट किया। हम भोजपुरी में हम मतलब आए तो थे जब हम करीब जब दिनेश भैया की फिल्म बन रही थी सास सहेलियाँ, उस टाइम हम मुंबई आए थे। बट मुझे उस टाइम हीरो बनने का वो नहीं था, सिर्फ यह था कि हम सिंगर बनेंगे और सिंगिंग करते रहेंगे, उसी में खुश थे। फिर यहाँ से गए, अपना मेहनत शुरू किए, गाना लगातार आने लगा। तो फिर फिल्म के बारे में कई फिल्में मिली भी, एक दो फिल्में उस टाइम किए, वो भी पूरा रिलीज नहीं, एक पागलपंथी रिलीज हुई थी तो यूपी में ही रिलीज हुई थी, अभी वो देखिए बिहार में भी लोग रिलीज करेंगे उसको। बट फिर हमको जब गाने सब पॉपुलर हुए और मन में हुआ कि नहीं अब फिल्म करना चाहिए, तो फर्स्ट फिल्म हम लोगों ने अपने बैनर से बनाया बिना सब, कि ताकि एक आइडिया हो जाए हम लोगों को कि नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो विनाशक बनाए तो विनाशक से अच्छा लगा कि नहीं, हाँ सभी लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर का लॉन्चिंग भी रखा गया था मार्स इंटरटेनमेंट के थ्रू सारा कुछ। तो वहाँ पे जब ट्रेलर रिलीज हुआ सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने कहा कि नहीं हाँ अच्छा बना है, अच्छा हुआ है और मेहनत करने की ज़रूरत। तो हम लोगों ने सबसे शुरू किया और तमाम फिल्में भी मिलने लगी, गाने भी हिट हो गए, थ्रेसर वाला गाना हिट हुआ तो और भी फिल्में मिली और लगातार काम चल रहा है। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे समर सिंह पे, और देखना ना भूलिएगा 17 जनवरी को मुंबई और गुजरात में रहने वाले जितने भी हमको प्यार करने वाले हैं सभी लोग सिनेमा हॉल में जाइएगा और विनाशक जरूर देखिए।